इधर मेरठ गैंगरेप के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। 3 पन्ने की इस रिपोर्ट में यूपी सरकार ने क्या लिखा है, अब तक क्या क्या तथ्य सामने आए हैं, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज तक के हाथ लगी है। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए आपको बताते हैं, दिखाते हैं कब कब क्या क्या हुआ। यूपी सरकार ने 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी घटना की रिपोर्ट सौंपी है। 3 पन्ने की रिपोर्ट में यूपी सरकार ने परत दर परत घटना से पर्दा उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाब और शानू ने 29 जून को पीड़ित के साथ मदरसे में बलात्कार किया। पीड़ित मदरसे में अंग्रेजी और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती थी। उसके बाद सनाउल्ला ने पीड़ित के साथ छेड़खानी की, लेकिन पीड़ित के पिता के मुताबिक लड़की का अपहरण 1 महीने बाद 29 जुलाई को हुआ, जिसमें हाफिज समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य अभियुक्त सनाउल्ला फरार है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सनाउल्ला और नवाब पीड़ित को लेकर दौताई गांव के मदरसे में पहुंचे। वहां पर हाफिज ने कहा, धर्म परिवर्तन कराओगे तभी लड़की को मदरसे में रखा जाएगा, जिस पर नवाब और सनाउल्ला एफिडेविट बनाने चले गए। दोनों ने वकील अहमद और 2 अन्य की मदद से फर्जी एफिडेविट तैयार करवाया, जिसका पता चलने पर वकील अहमद समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। नवीन नाम का एक शख्स फरार है। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन पिता बेटी के अपहरण की बात कर रहा है, उसके 2 दिन पहले ही लड़की घर लौटी थी। 23 जुलाई से 27 जुलाई तक वो मेरठ के अस्पताल में भर्ती थी। जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया था, उसने पूछताछ में ये बताया कि पीड़ित 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अस्पताल में उसके दस्तखत भी ट्रेस हुए हैं। यूपी सरकार की रिपोर्ट ने इस गुत्थी को और उलझा के रख दिया है। कहानी के कई पहलू मेल नहीं खाते, बयानों में विरोधाभास है। जाहिर है तमाम सियासी दबाव के बीच और सीबीआई जांच के बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही यह एहसास है कि मामले में संयम बरतते हुए पूरी जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पे आना समझदारी होगी। इस केस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, गुत्थी उलझती जा रही है। यूपी सरकार के रिपोर्ट और पीड़ित के पिता के आरोपों में 1 महीने का अंतर है। सवाल उठ रहा है कि 26 जून से 23 जुलाई तक पीड़ित कहां थी। मौसमी सिंह के साथ दीपक शर्मा, दिल्ली आज तक।